हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो क्या आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा किचन ब्लॉग और साथ में घर के कुछ काम। तो सुबह उठ के मैंने सारे मैचे से झाड़ू लगा ली है। झाड़ू लगाने के बाद चलेंगे हम किचन की तरफ। तो देखिए, पानी गर्म करके मैंने पी लिया था, तो एक तरफ रख दिया है मैंने चाय उबलने के लिए। आज बेडशीट भी चेंज की थी। ये जो मुझे पीना होता है सुबह रोज एक गिलास। तो देखिए, आंवले आ चुके हैं बाज़ार में। आंवला सर्दियों में आप रोज़ खाइए, एक से दो आंवला। तो मैं आंवले को उबाल के थोड़ा सा, उसके बाद उस पर थोड़ा नमक और मिर्च डाल के खाती हूँ। आप चाहे तो कच्चा भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए, आंवले में मैंने थोड़ी सी कटिंग करके बॉईल होने के लिए रख दिया था एक छोटे से बर्तन में। 5 मिनट के लिए आंवले को हम बॉईल कर लेंगे। आंवले खाने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे हमारे बाल अच्छे रहते हैं, बाल गिरना बंद हो जाते हैं, स्किन चमकदार होती है। आंवला तो अमृत तुल्य है, आप सर्दियों में आंवला ज़रूर खाएं। अगर आप ऐसा ना खा सकते हो तो आंवले का मुरब्बा खाएं। तो देखिए, आंवला हमारा 5 मिनट के बाद अच्छे से बॉईल हो चुका था। और लंच में दिया बच्चों का आलू का पराठा और एक ऑरेंज। और ये है सरसों का साग, इसको मैंने आज लंच में बनाना है। इसको भी साफ़ करेंगे, तो इसको निकाल के रख दिया एक तरफ। मेथी, पालक और सरसों के पत्ते। तो आंवला हमारा अच्छा से पक चुका है, इसको निकाल लेंगे इससे और उसमें लगा देंगे एक कटिंग। तो इस तरह से इसकी फांके निकाल लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक और लाल मिर्च पाउडर छिड़क देंगे। तो आप सुबह एक खाली पेट एक आंवला ज़रूर खाइएगा। तो मैं तो खाती हूँ, ये काफ़ी सेहतमंद है और फ़ायदेमंद भी है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो देखिए, नमक मैंने डाल दिया, थोड़ी सी डाल दी, चुटकी भर के करीब डाली है मैंने लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती हो तो। तो आंवला खाने के बाद करते हैं फिर से घर के काम। तो देखिए, मैंने दोपहर का टाइम हो चुका है, चॉपिंग बोर्ड ले लिया था, अब हमने सब्जियों की कटिंग करनी है। तो मेथी, पालक, सरसों के साग को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसको धो के इसका पानी भी सुखा लिया है। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो पहले काटेंगे सरसों के पत्ते। तो देखिए, बारीक बारीक से सरसों के पत्तों की हम कर लेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। और इसी तरह से मैंने पालक और मेथी की भी कटिंग कर ली थी। देखिए, कटिंग हमारी हो चुकी है, अब इसको हम रख देंगे गैस पे उबलने के लिए। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें डाल दिया 2 गिलास पानी। अब इसमें डाल देंगे हम कटी हुई मेथी, सरसों और पालक। आप सोच रहे होंगे पानी थोड़ा क्यों लिया। पानी इसलिए थोड़ा लिया क्योंकि बाद में पत्ते भी पानी रिलीज़ करेंगे, तो पानी काफ़ी हो जाता है। देखिए, अभी कढ़ाई हमारी भरी हुई है 5 मिनट के बाद। देखिए, सारी सब्जी नीचे बैठ चुकी है, इसमें उबाल आने लगा है। और इसमें मैंने डाल दिया था लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। सब्जी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो उसको हम अच्छे से चमचे से सॉफ्ट कर लेंगे ताकि वो बारीक हो जाए। अगर आप चमचे से नहीं करना चाहते हो तो मिक्सी में पीस लीजिए या सलबट्टे पे पीस लीजिए। देखिए, इस तरह से चमचे से आप इसको दबाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाती है। तो साग हमारा बन चुका है, अब इसमें हम आलन देंगे। आलन में मैंने देखिए लस्सी में थोड़ा सा बेसन मिला दिया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको साग थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ी लस्सी और मिला सकते हैं या पानी का यूज़ कर सकते हैं। पानी को गर्म करके डालें। देखिए, साग हमारा बिल्कुल पतला पतला सा बन के तैयार हो चुका है, इसमें उबाल भी आने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक और कुछ डाल देंगे सूखे मसाले। हल्दी सब्जी में डलती नहीं है, तो मैंने डाला किचन किंग मसाला और थोड़ी सी डाल दिया लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच के करीब। और सारे मसालों को अच्छे से मिला दिया है। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम लगा देंगे लहसुन,
जीरे और हींग का तड़का। तो टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा सरसों का साग बनके तैयार हो चुका है। तो इसके साथ बनाऊंगी मैं गेहूं के आटे की पाने वाली रोटियां। आप चाहे तो बाजरे और मक्के की रोटी बना सकते हैं, लेकिन अभी हमने बाजरा और मक्का मंगवाया नहीं है, तो मैंने गेहूं के ही आटे से पाने के हाथ की रोटियां बनाई हैं। तो देखिए तड़का लग चुका है। तड़का लगने के बाद इसके ऊपर रख देंगे प्लेट, ताकि जो तड़के की सुगंध है वो सब्जी के अंदर रह जाए। तो इसको ढक के रख देंगे, गैस को कर देंगे बंद। तो देखिए मैंने आटे से थोड़ी सी लोई बना ली थी, उस पर दोनों तरफ पानी लगा के इस तरह से हमने इसको बढ़ा लेना है। ये बिलती नहीं है पानी के हाथ की रोटी, इसको इस तरह से फैलाना होता है हाथ से ही। देखिए तो देखिए पानी लगा के मैंने पानी के हाथ की रोटी बना ली। अब इसको हम तवे पे डाल देंगे और इसको हमने मीडियम टू स्लो गैस पे सेकना, ज़्यादा हाई पे नहीं सेकना, ताकि रोटी हमारी अच्छे से क्रिस्पी सी बन के तैयार हो। तो रोटी एक चुकी है, तो इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसको देखिए इस तरह से हम सेक लेते हैं। तो रोटी को अच्छे से किनारों के चारों तरफ सेक लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस, रेसिपीज, किचन व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए क्रिस्पी और मज़ेदार सी रोटी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। और इसी तरह से मैंने सारे पानी के हाथ की रोटियां बना ली थी। ये रोटियां एक एक करके सीखती हैं। तो कितनी बढ़िया पानी के हाथ की हमारी रोटी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तभी मैंने दूसरी रोटी डाल दी थी और इस रोटी साथ में हरा साग और गुड़। आइए आप भी खा लीजिए। तो रेसिपी बनाने के बाद मैंने लगा दिया था पोछा और घर को कर दिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।